हेलो फ्रेंड्स, मैं क्रिश गलानी। आज की डीआईवाई एक्टिविटी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक मजेदार एक्टिविटी करने जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे, आज मेरी टर्न है। लगातार दो दिन मैंने एक्टिविटी किया हूँ, आज भी मैं एक्टिविटी करूँगा क्योंकि मुझे हैट्रिक करनी है। ये हैट्रिक वैट्रिक कुछ नहीं, आज मेरी ही एक्टिविटी होगी। नहीं, आज मैं ही करूँगा। नहीं मैं ही करूँगा आज की एक्टिविटी। क्या आपको मालूम भी है कि आज कौन सी एक्टिविटी होने वाली है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। आज की एक्टिविटी इस पेज में छुपी हुई है। क्या है इसमें? इसमें तो कुछ भी नहीं है। रुको, मैं दिखाती हूँ। मेरे पास एक जादुई सॉल्यूशन है जिससे कि आपको आज की एक्टिविटी पता चल जाएगी। कैसे? हैं? ऐसा कैसे हुआ? बताती हूँ। सब्र रखो क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अरे बता ना, ऐसे कैसे हुआ? सबसे पहले हमने दो सॉल्यूशंस बनाए, एक बेकिंग सोडा का और एक टर्मरिक यानी हल्दी का। उसके बाद मैंने इस बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन से इस पेज पर कुछ लिखी। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे। इसके बाद तो आपको पता ही है हमने क्या किए। क्या आप इसके पीछे का साइंस बता सकते हो? हाँ हाँ, मुझे मालूम है। तो बताओ कैसे हुआ ये? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो बेकिंग सोडा यूज किए थे वो बेस था, और जो हमने इंडिकेटर यूज किए वो टर्मरिक इंडिकेटर था, और जब टर्मरिक इंडिकेटर बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर रेड कलर में चेंज हो जाता है। एसिड, बेस और इंडिकेटर की अधिक जानकारी के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो ऐसी थी हमारी आज की एक्टिविटी, मजा आया ना? हाँ हाँ, मुझे तो बहुत मजा आया। अगर आप ऐसी ही मजेदार एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।